हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनास क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करेंगे देखिए इस थालपोस का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें फाइनली इसको हमने बना करके कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज इसका फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सारे फ्लावर्स टक कर दिए हमने, देखिए सारी पंखुड़ियों को स्टिच कर दिया है और झालरें भी पूरी हमने लगा करके देख सकते हैं आप लोग, ये फाइनली कम्प्लीट हो चुका है। देखिए पूरी झालरों को कम्प्लीट कर लिया है और देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो चेन बनानी थी चेन भी बनाई, 20 की चेन बनाई है। फर्स्ट रो इसका कम्प्लीट किया है और फिर इसका सेकेंड रो भी हमने बना करके कंप्लीट कर लिया। देखिए फिर उसके बाद से हमने इसमें झालरों को स्टिच किया है। अगर आपका मन है तो आप सिंगल बना सकते हैं एक रो और दूसरा सेकेंड रो भी बना के कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनल लुक उसके बाद से देखेंगे किस तरीके से चेन बनाया हमने और किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल लुक, ये देखिए कितना खूबसूरत बन के ये कम्प्लीट हुआ है फ्रेंड्स। और काफ़ी बड़े साइज़ का है, शायद आपको दिखेगा भी नहीं, कैमरे में पूरा फुल नहीं आ पाएगा, फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए काफ़ी बड़ा है। जितने फ्लावर्स हैं सारे स्टिच कर दिए, पूरी झालरों को लगाते देखिए पूरा हमने इसको कंप्लीट किया। देखिए आप लोग ये साइड से जितनी भी झालरें हैं ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लगा के कम्प्लीट किया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लोग ये पूरा फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही शेयर करना था आज की वीडियो में आप लोग के साथ कि देखिए कितना खूबसूरत ये थालपोस का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हुआ है, देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का बना हुआ है, सारे फ्लावर्स स्टिच कर दी, झालरें लगा करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे पे, हम आपको दिखाएंगे झालरें क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, तो दूसरे में आपको हम इसकी झालर बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको हम बना के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चलिए देख लेते हैं किस तरीके से झालरों को बनाना है, यानी कि जो चेन हमने बनाई वो चेन कितने की बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और इसमें किस तरीके से झालर। सेम इसी तरीके से ये भी बनाया गया है, ये वाला थालपोस की डिज़ाइन भी, पिंक वाला भी देख सकते हैं आप लोग। पंखुड़ियों को ऐसे ही हाफ रख के स्टिच करेंगे, देख सकते हैं इसी तरीके से पंखुड़ी बनेंगी। फ्लावर्स दूसरे यहाँ पे स्टिच करेंगे, दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो आप लोग को हमें झालर बताना है इस वीडियो में, चलिए दिखाते हैं झालर किस तरीके से बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग साइड से, ये देखिए झालरें इस तरीके से बना के कम्प्लीट की गई हैं। यहाँ से ये हमने यहाँ पे रेड कलर का थ्रेड लगा के इसको स्टिच किया, ठीक है। हम यहाँ पे रेड की जगह पिंक पे आप लोग बता देते हैं कि किस तरीके से झालरों को बनाएंगे और उसके बाद से आप वाइट कलर से इसको झालर बना के दिखा सकते हैं और पिंक से भी। तो फिलहाल जो हमारे पास कलर उसी से आपको हम बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे सिंपल, जिस तरीके से आप लगाते हूँ लगा लीजिएगा, जिस तरीके से मैं लगाती हूँ लगा लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद से देखिए इस तरीके से सेम जिस तरीके से इसमें बनाया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग सेम वैसे ही बनाएंगे। जैसे कि कॉर्नर की एक पत्ती है, ये भी पत्ती है, यहाँ पे चेन है, यहाँ भी चेन है और यहाँ भी चेन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग नॉट लगाया हमने यहाँ पे, स्लिप स्टिच लगा दिया और यहाँ से देखिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का चेन बनाया, इसका हाफ करेंगे पंखुड़ी का हाफ। तो यहाँ पे लगाएंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, 20 का चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इस एक पंखुड़ी में हमने इसको 2 राउंड में कर लिया, ठीक है, 1 और ये 2। अब यहाँ से फिर से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का चेन लेंगे और ये जो चेन है ना इसी चेन को कवर करते हुए देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पे बीचों बीच में और यहाँ से फिर से नॉट लगा के फिर से सेम ऐसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए सारा इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 बना लिया हमने यहाँ पे, 18 19 20, 20 का चेन लिया फ्रेंड्स और यहाँ पे लगा लेंगे स्लिप स्टिच, देख सकते हैं आप लोग ये। तो इस तरीके से हमको इसको बनाते हुए जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी का चेन लिया और यहाँ पे लगाएंगे स्लिप स्टिच। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग ये इस तरीके से, तो ये हमने यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। अगर आपको इसका डबल करना है पूरी रो हम इस तरीके से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाएंगे, देख सकते हैं आप लोग ये यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे धागे को न्यू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फिर 20 का चेन लेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ से 20 का चेन लेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच, यहाँ से 20 का चेन, यहाँ से स्लिप स्टिच। इसी तरीके से राउंड बाई राउंड इसको कम्प्लीट कर लेंगे। उसके बाद से फिर हम झालरों को इसमें लगा के कम्प्लीट करेंगे। आप झालर आपका मन है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं और डबल भी बना के कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए भी इसको मैं कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। झालर लगाना बहुत ही इजी है। अगर मेरे पास पिछले की वीडियोस होंगी तो मैं उसको आपको उसकी लिंक आपको दे दूँगी, वहाँ से आप देख करके उसको बना लीजिएगा। और वरना फिर मैं इसी वीडियो में कुछ एडिट वेडिट करके मतलब थोड़ा सा वो वीडियो भी डाल दूँगी इसमें, जिसमें आप लोग देख करके ईजिली उसको बना के कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, इसको बना के कम्प्लीट करना बहुत ही कम टाइम में ईजिली आप बना के इसको कम्प्लीट भी कर सकते हैं। और फाइनली मुझे लगता है आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जहाँ नहीं आएगा आप लोग कमेंट्स करिएगा, तो आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और वहाँ पर आपको बताने की या फिर समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। फिर से यहाँ से देखिए चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का चेन लिया, ठीक है। और यहाँ 15 16 17 18 19 20 20 का चेन ले रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे लगाएंगे स्लिप स्टिच, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। और यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का चेन लिया और फिर से यहाँ पे लगाएंगे स्लिप स्टिच। तो इसी तरीके से करते हुए फ्रेंड्स हमको कंप्लीट कर लेना है। तो आप इसी तरीके से इसकी फर्स्ट और सेकंड रो दोनों कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आप लोग को यहाँ तक बता दिया है कि किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ बता दिए, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कितनी टिक्कियों का आपने यूज़ किया। तो देखिए मैं आपके सामने इसको काउंट करके दिखा देती हूँ कि कितनी टिक्कियों का मैंने यूज़ किया है, उसी हिसाब से आप लोग उतनी टिक्कियाँ बना करके स्टिच कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने फाइनली आप लोग को बता भी दिया कि 19 टिक्कियाँ लगेंगी फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 19 टिक्की में ये फाइनली कम्प्लीट होगा, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। तो अभी मैं इसको आपको पूरा देखिए फाइनल लुक इसका मैं दिखाती हूँ आपको पूरा इसको फैला करके। देखिए अभी मैं इसको फैला देती हूँ पूरा, तब आप लोग के साथ इसका फाइनल लुक शेयर करूँगी। और देखिए कितनी टिक्कियाँ हैं ये भी काउंट करके आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि हाँ कितनी टिक्कियाँ लगेंगी, ठीक है। आप लोग हमेशा आप लोग का कमेंट्स आता है कि कितनी टिक्कियों लगा के आपने स्टिच किया है, इसको कितनी टिक्कियाँ बनाई हैं। तो अगर आपको छोटा बनाना है तो 7 बना लीजिएगा, बड़ा बनाना है अगर इसी साइज़ का इतना बड़ा बनाना है तो आपको ज़्यादा टिक्कियाँ लगेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 देखिए 19 टिक्कियाँ मैंने काउंट कर लिया, 19 टिक्कियाँ लगी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल लुक भी बहुत ही गजब का ही थालपोज तैयार हुआ है फ्रेंड्स। व्हाइट और रेड कलर का कलर कॉम्बिनेशन भी गजब का लग रहा है। और मैंने आपको चेन बता दी ना किस तरीके से, और मैंने कई वीडियोस में आप लोग को यहाँ पे जो ये थालपोज की जो झलरें हैं वो भी बताएंगे कि किस तरीके से इसको लगा के डेकोरेट करेंगे, किस तरीके से इसको कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली इसका लुक देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा ये थालपोज का डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हुआ है। देखिए ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, फ्लावर्स देखिए कितने बड़े बड़े कितने प्यारे प्यारे से बने हैं यहाँ पे, और ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली पूरा ये देख सकते हैं आप लोग, मैं अभी दिखा रही हूँ यहाँ पे, शायद कैमरे में भी नहीं आ पा रहा, अभी कैप्चर नहीं हो पा रहा उतना जल्दी। देखिए इतना ये देखिए 3 टिक्कियों का वहाँ पे हमने बनाया है, 1 2 3, उसके बाद से 4 टिक्कियाँ हैं, फिर 5 टिक्कियाँ हैं, फिर उसके बाद से देखिए 3 4 5, फिर 4 हैं, ठीक है, फिर 3 हैं और फिर 2 है, फिर 1 है, इसी फिर 3 है। तो इसी तरीके से इसको हमने बना के कम्प्लीट किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।